साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। एक तो चुंगी वाला कह रहा था जी, आप कुछ पैसे बढ़ा दें वरना मुश्किल पड़ जाएगी। क्या मुश्किल पड़ जाएगी जी? चुंगी वाले तंग तो करते हैं ना जी, ऊपर से दूध का मामला, फट जाए तो सारा दूध गले पड़ जाता है जी। अच्छा देखी जाएगी, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। आप कहाँ जाएंगे जी मेरे साथ? वो बदतमीज लोग हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा। कहा ना देखी जाएगी, हम भी कोई कम बदतमीज नहीं है। सारा सपराटा आज फजल से हलवाई को देना है जी, मुझे भाटी जाना पड़ेगा। लेकिन सारा क्यों? आधा आज दो आधा कल। उधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जी, एक बार ही सारा ऑर्डर पूरा कर दूंगा। और बाकी ग्राहक जो लगे हुए हैं उनको क्या जवाब देंगे मुंशी जी? मैं संभाल लूंगा जी, आप फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, माफ कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली गुजारिश है कि आप यहाँ आइए ना। मुंशी जी आप जाइए। अच्छा जी, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में आपके काम में मुखल हुआ हूँ। नहीं नहीं, हम तो मुंह अंधेरे ही काम शुरू कर देते हैं, अब तो सारा काम खत्म हो गया। आप बताइए, दूध पियेंगे या लस्सी? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, कुछ भी नहीं, बस आपके दो मिनट लूंगा। फरमाइए। एक्चुअली मैं फिक्रमंद था। किस लिए? कहीं रॉकी का कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं लगा आपको? मेरा मतलब है नाखून या दांत वगैरह। मेरा ख्याल है कि नहीं, आपका रॉकी तो शायद बेचारा मुझसे गेंद छीनना चाहता था, मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने गेंद छोड़ा ही नहीं। आप ज़रा गौर से देख लें, अगर टीके वगैरह लगवाने हो तो मैं। सलमान साहब, हम लोग आप शहरियों की तरह नाजुक नहीं होते, छप्पड़ का पानी पी के कॉलरा से महफूज रहते हैं, गोबर के उपले थाप के टेटनस से बचे रहते हैं, बड़ी इम्यूनिटी होती है हमें। आप ये सब कुछ कैसे जानती हैं? आपकी अंदाज़ी गुफ्तगू से तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। दरअसल मैं अपना तारुफ कराना तो भूल ही गई, मैं चौधरी अब्दुल जब्बार की भतीजी, चौधरी अब्दुल गफ्फार की बेटी हूँ। प्राइवेट तौर पर मैंने बी ए किया है, शायरी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और बैतबाजी महबूब मशगला। डॉक्टर शादाब अली की बहन हूँ जिनकी ये मिल्क सप्लाई। ओह आई सी, तभी आपकी बातों से डॉक्टरी की खुशबू आ रही है। वैसे डॉक्टर साहब हैं कहाँ पे? वो तो रियाद में होते हैं, सऊदी अरेबिया में, 4 साल हो गए बल्कि। अच्छा, तो आप ये शादाब मिल्क सप्लाई का काम खुद चलाती हैं? कमाल है। मजबूरी है सर। बीवी जी। मुंशी जी अब क्या हुआ? रशीद ने फिर दूध में पानी मिलाया जी। फिर मिलाया? आप उसका काम तो छोड़े। और जी यूं बाल्टी भर के पानी की लाया और मेरी नजर बचाकर यूं आया और यूं दांत पानी उल्टो है। मैं आइए सलमान साहब।
अब्बा तूने मुझे नहीं जगाया और चापे ही खुद उठाई। अरे बेटा मैंने तुझे उस वक्त नहीं जगाया जब तुझे दवाई पिलानी होती थी। अब्बा तब तो मैं छोटा था ना। वो तो ठीक है भाई मगर मेरे लिए तू कभी भी बड़ा नहीं हुआ। अब्बा तुझे अपना सारा बोझ जिस्मानी माशी जज्बाती सारा मुझ पर डालना चाहिए। जब बेटे का जूता बाप के जूते के बराबर हो जाए तो फिर रूल्स बदल जाते हैं। वैसे तो हर शख्स के लिए औलाद और माल फितना है लेकिन कुछ वालदैन कुछ बहुत सारी मोहब्बतें छोड़कर दिल में झाड़ू फेरकर अल्लाह के लिए जगह तो पैदा कर लेते हैं मगर उसमें औलाद का बुत बिठा लेते हैं। अब्बा मायूसी की बातें ना किया करें। पता है फिर क्या होता है? जी जिसके दिल में माँ सिवा अल्लाह हो ना खासतौर से औलाद का बुत हो वो आदमी दब्बू हो जाता है खायफ रहता है हर वक्त हर तब्दीली से डरता है और हर शक्ल में उसे औलाद नजर आती है हर वाक्या हर सानिया औलाद से वाबस्ता करता है। वहम ना किया कर अब्बा। अमीर आदमी दौलत के डूबने से डरता है रोज अपनी चेक बुक्स अकाउंट रजिस्टर्स बही खाते क्या खोया क्या पाया देखता रहता है उसकी नजरें हर वक्त स्टॉक एक्सचेंज पर रहती हैं वो सोने के भाव मालूम करता रहता है या डॉलर की कीमत मालूम करता रहता है। अब्बा आपको ये सब कुछ किसने बताया? एक हरीस को दूसरे हरीस की खबर होती है एक लालची दूसरे लालची की कार्रवाई पर नजर रखता है। अब मेरे चार पांच बच्चे होते तो शायद मैं बच जाता पर अब तो अब्बा तेरे तो सारे ही अंडे एक टोकरी में हैं। अब तू सो जा। हाँ पर तू कहाँ जा रहा है? अब्बा अगर इजाजत हो तो गांव की बारिश देख लूं। हाँ देख ले लेकिन जा देख ले। तेरा क्या क्या हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी मरन किनारे तेरी राह देखते मर जाएं। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं अब्बा और यहां शाला कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा। आज रुक जा जाने देख नहीं रहा कितनी तेज बारिश हो रही है मुझे तो लगता है कि सैलाब सैलाब चुगुनी की बातें ना कर आज रात। अब्बा एक वादा कर। क्या वादा तो कर पहले तो पर कुछ बता तो सही। मेरे यहां से चले जाने के बाद तू अम्मा से कोई कड़वी बात नहीं करेगा कड़वी दुख वाली बात है? बेवकूफ अब मेरी कड़वी बात कौन सारेगा जवानी में तो तौसना सही किसी ने मंसूर मलंगी की अब कौन सारेगा मुझे जरा खुशामद से हटके बोलूं तो लोग कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं मुझे। अच्छा अब ये पुराने किसे छोड़ और काके को कुछ पैसे दे दे लाहौर में जाएगा तो पता नहीं कब रोजी लगे। ले भाई
ये 85 रुपए हैं मेरे पास, जब देने जोगा हो जाए तो मोड़ देना, नहीं तो बख्शे। देने से पहले ही वापसी का पक्का कर लिया साहूकार, कमाल है। चौधरैन से ले दूंगी, मरी ना जा। ले ले वेख ले, अब तो गली के कुत्ते भी पड़ जाते हैं मुझे। और जानते हैं ना कि बुड्ढे की टांगे कमजोर है, कहां तक भागेगा। ले अबा, मैं नहीं जाता। तू ऐसी बुझी बुझी बातें ना कर। ये सारे सुर जो मैं शहनाई में बजाया करता था ना जान मत, ये सारे के सारे सुर मेरे अंदर छुपे हुए थे, अब बाहर निकलते हैं तो लोग समझते हैं कि मंसूर मलंगी बुढ़ा हो गया है, जान छोड़ गया है। कमरे लोग, ये सारे सुर तो मेरे अंदर थे, सदा साथ थे, अब तो आंखें खुली हैं इन पुलुंगड़ों की, अब बाहर निकले। कल चला जाए काका, इस तेज बारिश में पक्की सड़क तो कैसे जाएगा। तू ना रोक बेबे, तू रोक देती है तो सब कुछ रुक जाता है। अच्छा तो जा फिर। रो रहा है, आंखों में ना ढक आ जरा, जो आंसू अंदर गिरे ना उनकी चिल्लाहट ज्यादा होती है, बुनियादे हटा देते। भेजा था पर तू आई क्यों नहीं जी? रजिया, मैं लाहौर जा रहा, वापसी में 3 या 1 महीना लग जाए, बड़े शहरों का कुछ पता नहीं होता। हाँ जी, वो तो है। तो बोलती क्यों नहीं, खुलकर बात क्यों नहीं करती, तू दिल के दिल में क्यों रखती?
बड़ी मुश्किल से जुबान को डक्का लगाया पाजी, अब इसको ऐसे ही रहने दो। अगर मैं ना आया रसिया। अच्छा जी, मुझे याद करेगी। बोल नहीं सकती तो रो तो सकती है ना। अच्छा जी, अब मैं जाऊं। अल्लाह वारिस। हाँ खड़ी है तो पहिया पंक्चर हो गया था, अभी बदला जाएगा। तो आप अंदर आ जाएं। यहाँ करीब ही तो हमारा घर है, पैदल भी जाया जा सकता है। उससे करीब तो हमारा गरीब खाना है। आप कहाँ जा रहे थे? डाक खाने, वो एक ड्राफ्ट तैयार किया था ब्रेकलेयर के नाम, वो भेजना था रजिस्टर्ड। इतनी दूर पैदल? बड़ा खुशगवार मौसम है, अच्छी वॉक रहेगी। जी नहीं, काफी गर्मी है, आप वैन में जाइए। आपको तकलीफ होगी। जी नहीं, आप वैन ले जाइए, मेरा घर करीब ही है। आपको तकलीफ होगी। चाबी दो भाई, भैया बदला दे, तुम लोग बाड़े में जाओ। ये लीजिए, आप डाक खाने से हुआ। अम्मा तू भी अजीब ही है, इतनी बेवफाई की अब्बा ने तेरे साथ, अभी तू उसे ही याद करती है। अव्वल तो उसे याद करना मेरे बस की बात नहीं, पर नाजो वो अच्छा ही इतना था। क्या अच्छा था मुझे बताना अम्मा, क्या अच्छा था? भई शादाब को डॉक्टर की तरफ मायल किया, तुझे शेर याद करवाए, और मुझे तो कभी गुस्से की नज़र से देखा भी नहीं। अगर अच्छा नहीं था तो और क्या था? अच्छा अम्मा, तुझे तो बंदे को जांचना ही नहीं आता। तुझे आता? हाँ कुछ कुछ। किसी को अपनी वजह से अपने फायदे के लिए अपनी गरज को सामने रखते हुए अच्छा बुरा नहीं समझना चाहिए, बस ये देखो कि वो दूसरों के लिए कैसा है। तेरे अब्बे ने इस शालाकोट में स्कूल खोला, ये जो मास्टर मूसा है ना, इसकी अपनी ज़मीन थी, ये भाई भी जी किया करता था। तेरे अब्बे ने उससे वो ज़मीन महंगी खरीद के उसी पे उसको स्कूल बना दिया। कभी चौधरी अब्दुल जब्बार ऐसा कर सकता था? अब्दुल गफ्फार की तो कोई रीस नहीं तेरे अब्बे की। नाजो मेरी एक बात सुन, ये बात अब किसी से करना ना, मेरा तेरे अब्बे के साथ वादा है। भगौड़े बाप की बात भी मानी जा रही है? वो भगौड़ा नहीं था नाजो, वो तो और ही किस्म का आदमी था। और किस्म का? कैसा? ऐसा आदमी जो तलाश में होता है, रोशनी की तलाश में, बेहतर चीज की तलाश में। यहाँ रहा तो वो गांव वालों के लिए तालीम तलाश करता रहा, पता नहीं उसे तो जुनून हो गया था तालीम का। उसने शादाब को धक्के मार मार के शहर भेजा डॉक्टरी के लिए, वो तो तुझे भी डॉक्टर नहीं बना देता।
अगर मैं उसे इजाजत देती तो। सच्ची अम्मा? पता नहीं उसके साथ किस भुलेखे में चला गया। किसके साथ अम्मा? तेरा अब्बा कमाल का नेजेबाज था, तुझे पता है नाजो, वो आंखें बंद करके किल्ली उड़ा ले जाता था। वो लाहौर गया मवेशियों के मेले पर और मुझे पता चला कि उसे नेजेबाजी में पहला इनाम मिला है, लेकिन वो उसके बाद वापस नहीं आया। इस मरतबा शालाकोट से चौधरी अब्दुल गफार पेश पेश है। ये वही चौधरी अब्दुल गफार है जो पिछले साल एक नंबर से दूसरी जगह पर आए थे। चौधरी अब्दुल गफार 10 मुरब्बों के मालिक, शालाकोट उन्होंने लाहौर बनाने का इरादा कर रखा है। नेजाबाजी का मुकाबला शुरू हुआ साहिवाल के शेर मोहम्मद, पत्तों की किया शहनशाह और शालाकोट के चौधरी अब्दुल गफार। मुकाबला शुरू हुआ, द्वार तोड़े और ये अब्दुल गफार ने किला उखाड़ लिया। शालाकोट के चौधरी अब्दुल गफार पहले नंबर पर आए। जिस साल वो आठवीं क्लास में आई और शादाब मेडिकल के दूसरे साल में आया और चौधरी अब्दुल गफार ने नेजेबाजी में पहला इनाम हासिल किया, उसके बाद शालाकोट ने उसकी शक्ल नहीं देखी। किसके साथ चला गया था अम्मा? बताते हैं सवारों की परेड के सामने कोई नाचती इस्लामे करती हुई कोई आई, चौधरी अब्दुल गफार ने पता नहीं क्या तलाश कर लिया उसमें। तो चाचा नहीं गया अब्बे को मनाने? गया था 2-3 बार पर तेरे अब्बे ने आने से इनकार कर दिया। पता नहीं उस नाचने वाली के साथ कहाँ चला गया, कोयटे के कराची। तू मुझे भेजती ना अम्मा तो उस नाचनी को छोड़ के बेटी के साथ वापस आ जाता घर, अपने गांव, अपने शालाकोट। तब तुझे इतना होश कहाँ था? पर अम्मा सारे मुरब्बे पैसा तो यहाँ था, अब्बा क्या करता होगा पैसे के बगैर? इसीलिए तो कहती हूँ नाजो, तेरे अब्बे की कोई रीस नहीं, 3 कपड़ों में चला गया वो बेचारा। बड़ा ख्याल किया उसने हमारा, मेरा, शादाब का, तेरा। जहाँ रहे खुश रहे, तत्ती वाह ना लग गए उसे, मुझे सारे सुख दे गया वो। जीवन एक दूजे के नाम हुआ है, दीवारें हैं मेहराबों पर फूल बने हैं। जाने क्यों लगता है इश्क ने पन तखलीक किया है, हुस्न का चर्चा आम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। आप लोगों की पार्टी का लीडर कौन है? जी मैडम फरमाए। मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरे यहाँ मेहंदी का फंक्शन है। हाजिर हो जाएंगे मैडम जी, हाजिर हो जाएंगे। ये मेरा कार्ड है, परसों शाम 5 बजे कोठी पर पहुँच जाना है।
जी मैडम, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। पूरे 4:30 बजे आप तैयार रहिएगा, मेरा पिया आपको लेने आएगा। इंशाल्लाह मैडम जी, हम तो सारा दिन इधर ही होते हैं जी। ठीक 4:30 बजे, कोई गड़बड़ ना हो। बीबी जी, हम शाला कोर्ट के बंदे हैं, हमारे गांव में गड़बड़ नहीं होती। लो ये 1000 रुपए एडवांस। मैडम जी, ये काम है जी। बस बस, नो मोर, दैट्स ऑल। बाकी बात हमारे साफ से करना। खान, इनका ड्रम उठा के गाड़ी में रखो। जी बिल्कुल। हम ढोल को हाथ नहीं लगाने देते जी। हाँ जी बीबी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। कमाल है, एडवांस तो ले सकते हो लेकिन सिक्योरिटी नहीं रखवा सकते। Ah.
मेरा ख्याल है जवाना, इस हवेली की मरम्मत करा के शादी के बाद यहाँ रिहायश उतरी। अब बाप, दुनिया बेटों को आगे लेके जाती है, तू मुझे पीछे ला रही। अब ऐसी हवेली बनी नहीं सकती काका, पुरखों की निशानी है। अब हवेलियों की रहायश कहाँ अब्बा? तुम यकीन नहीं करोगी नाजो, इसी अंदाज की इमारत कोहना के आसार लाहौर में भी मौजूद हैं। मैंने लाहौर देखा तो है मगर जी भर के नहीं देखा। अब के तुम हमारे शहर में आओ तो हम तुम्हें जी भर के लाहौर दिखाएंगे। अब कोई खास आरज़ू ही नहीं रही। क्यों? हमारा शालाकोट ही लाहौर हो गया है ना। तो कहाँ है आपकी इमारत कोहना के आसार? पुराना मुगलिया दौर का मकान अमीर खाना, मुल्तान रोड से राइट हैंड पर, खराब हाल और शिकस्ता, दरवाजा मेहराबी, माँ ड्योड़ी बाहर से एक मंजिला और अंदर से दो मंजिला, नॉर्थ और साउथ के दरवाजे के साथ दो चबूतरे, दो दो गज लंबे और एक एक गज चौड़े, जमीन से ऊंचाई के आसार पौने दो गज की बुलंदी पर, अंदरूनी एक शिकस्ता दीवार, तमाम गुलकार चीनी से मुजयन। बस 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 बस, इस तरह तो आप हलकान हो जाएंगे और आपकी हालत भी आसारे कदीमा के बारिश ज़दा सुतूनों जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं मुगल फन तामीर का आशिक हूँ, इस पर घंटों बात कर सकता हूँ, बोलते बोलते फैलता जाता हूँ और इन खंडरों के साथ फिर तामीर होता जाता हूँ। लेकिन मेरी तामीर में मुजमिर है एक सूरत खराबी की। उतर बचड़ा, उतर उतर के वेख, तेरे पिछले कितनी नायाब चीज छोड़ गए तेरे लिए। मेरी देखी हुई है अब्बा। कई बार देखी हुई चीजें देखी हुई नहीं होती बिचड़ा। चल उतर। आ। अल्लाह अकबर। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया लिफ्ट का भी और पैमाइश का भी। एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा झुक नहीं सकता। मुझे जल्दी थी वरना कुछ और काम करा देती। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।